हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मम्मी रेसिपी में स्वागत है। आज हम बनाएंगे भेज एग रोल, जो एग रोल की तरह खाने में होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ हमने 3 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे या दानेदार चीनी का यूज करें। 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे या अपने स्वाद अनुसार डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम तेल गर्म करेंगे। रिफाइंड ऑयल और 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इससे हमारा डो सॉफ्ट तैयार हो सके। डालने को इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। जितना ही मैदा उसमें सारा रिफाइंड ऑयल उसमें लग जाए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा इसका सॉफ्ट डो तैयार करने के लिए पानी में भी हल्का हल्का पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। नीचे रखकर कम से कम 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट तक इसे मसलना है। इसका डो जो है पूरा सॉफ्ट हो जाए और हमारा पराठा बनने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एक एकदम बाजार के जैसा पराठा बन सके। तीन से चार मिनट का इसको मसलने के बाद देख सकते हैं हमारा डो पूरा सॉफ्ट बन के तैयार है। देखिए डो हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में रख कर ऊपर से 1 चम्मच जैसा या थोड़ा सा तेल डाल के लगा देंगे और ढक कर कम से कम 20 से 30 या 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। इसके बाद हम बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ खीरा लिया है, मिर्चा लिया है, गाजर लंबे कटे हुए, 2 प्याज एक बारीक कटा हुआ और एक लंबा कटा हुआ। यहाँ बेसन ले लिए हम 2 कटोरी, मैदा लिए 3/4 कप। मैं यहाँ बेसन को हम एक कटोरी में डाल मतलब एक बॉल में डालेंगे। उसके बाद हम बेकिंग पाउडर देंगे 1.5 चम्मच जैसा, मतलब छोटा चम्मच से दीजिएगा। फिर 1/2 चम्मच जैसा नमक देंगे। फिर जो मैदा हमने रखा था उसको भी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की सहायता से। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी डालकर, इसमें एक बार में पानी आप ना डालिएगा नहीं तो इसमें गांठे पड़ सकते हैं। इसमें क्योंकि गांठे नहीं पड़ना चाहिए जिससे जो हम अपना बैटर एकदम बिना लम्स वाला बना सके। इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसका बैटर अच्छे से तैयार करेंगे। बैटर पूरा पतला होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं। देखिएगा मैंने तैयार करके दिखाएंगे तब। अच्छे से भूने से इसमें लम्स एक भी ना रहे। फिर हम इसकी सहायता से बैटर को अच्छे से घोलेंगे और पूरा पतला करेंगे। बैटर इस कंसिस्टेंसी में अच्छे देख सकते हैं इतना पतला है। कम उठा इसलिए हम थोड़ा और पानी डालें का देख लें। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, बारीक काटे थे वो डालेंगे। फिर इसमें हम मिर्च डालेंगे। मिर्च आप झाल ज़्यादा पसंद करें बारीक डालें, मुझे झाल कम नहीं पसंद इसलिए मैं कम डालती। अब देखिए हमारा डो पूरा 20 मिनट बाद देख सकते हैं हमारा डो पूरा तैयार है। इसके हम कम से कम छोटे छोटे लोग बना लेंगे। हमारा पराठा के लिए हम बना लेंगे। जो हमारा जो भेज है रोल है ना, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसका जो स्वाद है, जो बैटर बनाया ना उसको जब उसका स्वाद है मतलब इसलिए डालेंगे उससे बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और जो स्वाद है पूरा ही पूरा तरह से एक रोल के बाद ही लगता है। हमने कम से कम 2 पराठे बना लिए हैं। अब इसको हम सूखी तवे पे पहले सेक लेंगे, जैसे हम पराठा नॉर्मली सेकते हैं।
होती है जिससे हमारा पराठा है अच्छे से पक सके। देखिए हमारा पराठा अच्छे से बन चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। हमारा दोनों पराठा बनके तैयार है। अब हम बैटर डालेंगे ताई पर। बैटर को चम्मच से ना फैलाएं, इसे ये जो तवा है उसको पकड़ के फैलाएं, चम्मच से फैलाने भी इसका जो मतलब जो फ्लफी पन है जो ऊपर उठेगा देखिएगा उस टाइम वो हट जाएगा। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं। बैटर डालने के साथ ही इस पर पराठा रख दें। पराठा को दबाना है हल्का हल्का, उसके देखिए हल्का हल्का वो फूलते हैं, फूलने का दिखाए थे। उसके बाद इसे चार से उखाड़ लेना है, जिससे जो हमारा रोल का रोल के लिए हमने बनाया है वो अच्छे से निकल सके। अब इसे हमने प्लेट ये देख सकते हैं अच्छे से पक गया है, टेन ब्राउन हो चुका है। इसे हम लेकर इसमें हम प्याज डालेंगे, डेकोरेट करेंगे। प्याज डालेंगे इसमें लंबे लंबे जो खीरे काटे थे उसको डालेंगे। उसके बाद उसमें हम मिर्च डालेंगे, मिर्च अधिक डालें आपके स्वाद अनुसार। फिर गाजर डाला लंबे लंबे जो काटे थे, फिर चिली सॉस, फिर टमाटो सॉस डाल देंगे। इसमें सॉस डालने के बाद काला नमक देंगे, फिर नींबू डाल देंगे जो स्वाद और ही टेस्टी थोड़ा चटपटा लगे खाने में। और फिर एक पेपर की सहायता से इसे हम रोल कर देंगे। जरा इसे अच्छे से जगह हल्का गर्म होता है, देखिए इस टाइप का रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये देखने में पूरा रोल के भांति ही लग रहा है जो हम एक रोल खाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी है।